বিজেপি আম আদমি পার্টি অফিসে বর্তমানে আমি কংগ্রেস মুখ্য কার্যালয় রয়েছু এআসি সি যেটা কি পুরা সমস্ত কেন্দ্রিত স্থল বলে কুয়া যায় কংগ্রেস কর্মী মানুষ ইয়ে হচ্ছে সেই ফিল্ড সেই ফিল্ডর চিত্র দেখা চাইবি কাবন কী দেখবি ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী দুইটি বড় বড় পোস্টর লাগি বেগসাইট্রে সি এভি দুই জন কিম্বদেত্রী নেতা যা কংগ্রেস গর্ব করে এবং তাঁর টাইমে কংগ্রেস রো উৎসাহ লাগে জোস লা ইয়ে হচ্ছে সেই ফিল্ড যে ফিল্ডে সে ভাষণ রক্ষুলে যা शिक्षापी दूर दुरो दूर दुरो लोक मैं आसते हैं आज देखिए पांचटी राज्य निर्वाचन ऋजल्ट आंसू से फिल्ड खाली पड़ी लोकर से उत्साह देखा मिलनी यहाँ पक्षर कारण कौन रही है पांच राज्य निर्वाचन ऋजल्ट को लेकिन कौन कहते कॉग्रेस कर्मी सीधा आलोचना करवा कि कॉग्रेस कर्मी मो सहित अच्छा जगदीश जी सहित सीधा सड़क आलोचना करवा जगदीश जी ये फिल्ड है जहाँ पे कांग्रेस के नेता आते थे काफी उत्साह था लोगों के अंदर लेकिन दस साल की बात वो उत्साह नहीं दिख रहे कोई भी चुनाव की बात कीजिए आज की डेट में जो पांच राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया रखेंगे देखिए जो पांच राज्यों के चुनाव है मेरा मानना यह है ये जनता के चुनाव है जनता परेशान है दुखी है महंगाई तीन गुना बढ़ गया है डीजल पेट्रोल के रेट पर कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार और अब भी ये कहते हैं तीन सौ पाँच तो समझो देश का क्या होने वाला हाल इस बात को समझना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी जनता के साथ थी है और रहेगी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने देश आज़ाद कराया हमारे नेताओं ने शहादत दी इंदिरा जी ने राजीव जी ने राहुल प्रियंका जी राहुल जी और प्रियंका जी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं लोगों तक जा रहे हैं आप बड़े मैसेज देना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी था है आगे भी रहेगा लोगों को आपका साथ क्यों छोड़ दिया दे? देखिए इसमें कुछ कमियां हमारे अंदर भी हो सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि सारी भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है कमियाँ ये भी है कि कार्यकर्ता थोड़ा दूर हो गया है नेता से नेता मिलते नहीं है वन बक्से में बैठ जाते हैं एक ऑफिस बना दिया जो पंद्रह रघाबगंज जब से वहाँ गई है जब से पार्टी में यहाँ कमजोरी नजर आ रही है क्योंकि ताकत को बांट दिया है लोग वहाँ बैठने लगे हैं कार्यकर्ता है धक्के खा के चला जाता है तो हाईकमान को सोचना पड़ेगा कि एक ही ऑफिस जब एक यहीं ऑफिस बनाएंगे यहाँ से देश पे राज करा है देश की सेवा करी है जो पंद्रह रकाबगंज को बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नेता बड़े लीडर नहीं आते बड़े लीडर नहीं आते हैं कार्यकर्ता हताश है, होकर चला जाता है तो मैं तो एक समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए है देश को बनाने वाली पार्टी है बेचने वाली नहीं है आज की ये जो शुरुआती ट्रेंड आ रहा है उसमें काफी पीछे चल रहा है कांग्रेस लेकिन गोवा की बात करें और मणिपुर उत्तराखंड ये तीनों स्टेट में आप उम्मीद रख सकते हैं बैक करेंगे है। देखिए हम तो पाँचों प्रदेश में उम्मीद रख रहे हैं प्रियंका गांधी की मेहनत और काफिला और रेला परिवर्तन है लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी देश की कमान संभाले पर अभी जिस तरह से सत्ता में लोग बैठे हैं मगरमच्छ टाइप के जिनको जीत ही चाहिए यूक्रेन में बच्चे मरे तो मरे पर इनको उत्तर प्रदेश जरूर चाहिए तो कहना कि अब तो देश के लोगों को सोचना देखना है कि भारत को बनाना है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है व्यापार को बढ़ाना है आत्मनिर्भर बनना है तो देश की मजबूरी आज नहीं तो कल कांग्रेस ही बनेगी क्योंकि कांग्रेस अपने देश के लोगों के साथ खड़ेगी आम आदमी पार्टी अभी बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस की जगह ले लेंगे हम सेकेंड पार्टी हो आ रहे हैं देखिए आम आदमी पार्टी का जो नेता है वो तो ठग है एक देश में बड़ा ठग है दिल्ली में बड़ा ठग दिल्ली तो बर्बाद कर दी है आपने देखा कोरोना के टाइम में कितने इनके क्लिनिक में जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं कितने पेशेंट थे हाँ तो मोहल्ला क्लिनिक में ये खुद अपने लुटेरे टाइप अपने लोग बैठा देते हैं देश को लूटते हैं आंगनबाड़ी के महिला को तनखा नहीं दे पा रही है वहाँ कहना है हजार रुपये देंगे वहाँ जाके कहता क्या पेट्रोल बिजली दिल्ली में फ्री है मेरा दस दस हज़ार रुपये बिल आता है सभी का आता है एक गरीब आदमी की झोपड़ी में बलफ लगा के बिजली फ्री नहीं बोलते हैं गरीब आदमी को बलब देकर दिल्ली को लूटा इन्होंने दिल्ली के लोग और पंजाब के लोग एक दूसरे को जानते हैं तो कहीं ना कहीं ठग झूठ बोलने की जो राजनीति है इन्होंने बताया दिल्ली में कितने रोड पुल बना दिए कितनी मेट्रो बढ़ा दिया है शीला जी के बाद वही स्टॉप लग गया है जो बजट होता है दिल्ली को बढ़ाने का फिर भी दिल्ली में तो कांग्रेस लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रहे वो दो बार आ चुके हैं देखिए भरोसा क्या कि कांग्रेस झूठ नहीं बोल पा रही है ठगी नहीं कर पा रही है कल ही युग ठगी ठग थग लोग ही आगे बढ़ेंगे आप ये बताइए जिस तरह से केजरीवाल कह रहा है कि मैं दिल्ली को पैरिस बना दूंगा मंदिर के सामने और गुरुद्वारे के सामने और शकुल के सामने शराब की दुकानें खोल दी हैं है और पहले इक्कीस साल का आदमी शराब खरीदता था, था बट अट्ठारह साल के लिए खोल दिया है ये पेरिस बना दिया पेरिस में शराब बिकती है जी तो असंतोष जाहिर कर नेता रिएक्शन क्या बोलना चाहेंगे भाई शुरुआती तो जो आ रहा है कांग्रेस कितना उम्मीद रख सकता है कि बैक करने की देखिए कांग्रेस ही है ये जो भाजपा की सरकार है इसे ना तो दवाई कमाई सिंचाई इससे कोई लेना देना नहीं है ये केवल और केवल जुमले देना जानती है लेकिन जुमले से केवल हंसी आती है रोटी नहीं आती और अब आम आदमी किसान मजदूर विद्यार्थी व्यापारी हर कोई त्रस्त है ये एग्जिट मुझे समझ में नहीं आता ये जो आप सर्वे बता रहे हैं ये सर्वे मतदान कौन कर रहा है ये फार्म लॉज में सब किसान रोड पर आ गए उन्हें निर्मम हत्या कर दी गई सारे विद्यार्थी सड़क पर आ चुके हैं कि हम हम जो परीक्षा का फॉर्म भरते हैं लेकिन परीक्षा हमें जो है रोजगार जो नहीं जो मिलता ट्रेंड आ रहा है उससे आप उम्मीद रखेंगे देखिए ये जो ट्रेंड है ये जो देखिए आज के टाइम में न्यूज़ ले लीजिए सर्वे ले लीजिए इसका एक अपना कमर्शियलाइजेशन हो चुका है कमोडिफिकेशन हो चुका है तो इस पर हमें इतनी ज़्यादा ना तो इनसे कोई अपेक्षा है हम केवल लोकतंत्र के लिए हैं जनता के लिए हैं और आज ये जनता प्रूव कर देगी कि कांग्रेस ही उनकी हतेशी है निश्चित भाव ट्रेंड बर्तन आसूसी से मैं अपेक्षारत अच्छा आशावादी अच्छा कांग्रेस बेक कर निर्वाचन ऋजल्ट कौन आए तो आउ ये स्पष्ट है तेज कॉग्रेस भी आशावादी निश्चित भाव से पंजाब में बेक करेंगे और अगर राज्य में भल स्थित आसवे नामसन आदित्य सीधे न्यूज